सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्नैपसीड की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से सेव एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ गए अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे हमने जो अपनी फोटो है उसको भी इंपोर्ट कर लिया है। फोटो को इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से कुछ ने पेंसिल वाला आइकॉन। तो कुछ नहीं करना है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ट्यून इमेज में चले जाना है। ट्यून इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसकी सेचुएशन को बिल्कुल ही डाउन कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमम 30 के आजू बाजू डाउन कर दूंगा और इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग्स कर लूँगा, जैसे एम्बियंस, हाईलाइट्स और शेडो को भी सेट कर लूँगा। अब ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। ये चीज़ करने के बाद आपको वापस से इस पेंसिल वाले आइकॉन के अंदर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चल जाना है गाइज विंटेज वाले ऑप्शन के ऊपर। अब विंटेज वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे 12 नंबर वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी सिचुएशन को डाउन कर देना है और यहाँ पे इसकी स्टाइल और इसकी स्ट्रेंथ को आपको सेट कर लेना होगा और विंटेजनेस को भी आपको यहाँ पे सेट कर लेना है अपने मुताबिक। ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, बाहर आ जाना है। ये एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे चले जाएंगे व्यूडिस वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे विंटेज वाले ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस फोटो में से जो पार्ट है जो कि ब्लैक रखना है यानी कि बैकग्राउंड, उसको सिंपली इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जल्दी इसको इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड था उसमें से जो अपने मॉडल था उसको इरेज कर लिया है गाइस। ये चीज़ करने के बाद क्या करना होगा गाइस, बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद वापस से आपको उसी पेंसिल वाला आइकॉन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डबल एक्सपोजर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब डबल एक्सपोजर वाला फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे एड फोटो पे चले जाना होगा। यहाँ पे आपको एक PNG देखने को मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वहाँ पे जाकर उसको इजीली डाउनलोड कर लेना है या फिर आप इसको पिक्सआर्ट की मदद से भी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इसको देख सकते हो, यहाँ पे सब ट्रैक के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इस राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चल जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे जो हम इसका शर्ट है जो कि मॉडल का यहाँ पे क्लॉथ्स है उसको येलो कलर से हम पेंट करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही मस्त तरीके से पेंट कर लिया गाइस। ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद वापस से उसी पेंसिल वाले आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन के ऊपर वापस चले जाना होगा। यहाँ पे एड फोटो पे क्लिक करके एक जो बैकग्राउंड है मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देंगे और यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब वापस हम चले जाएंगे इस एरो वाले ऑप्शन के ऊपर और भाई इसकी सहायता से हम जो अपना बैकग्राउंड है उसको इरेज करेंगे और अपने मॉडल को जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट करेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको सेट करता हूँ और अच्छी तरीके से इसको इरेज कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से इसको इरेज करते हैं।
सो गाइस यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे इरेज कर लिया है। अब इरेज करने के बाद यहाँ से आ जाते हैं बाहर। बाहर आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे चले जाना होगा सिलेक्टिव टूल वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे स्किन वाले एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी ब्राइटनेस को यहाँ पे बढ़ा दूँगा और इसकी सेचुरेशन को घटा दूँगा। तो यही चीज़ करनी है हमें यहाँ पे दूसरी जगह पे। तो यह क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम इस तरीके से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिना किसी देरी के हमारा यहाँ जो फोटो है यहाँ पे ये जो सेटिंग है कॉपी हो गई। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से और भी कई सारे कलर्स है जो कि वो डाउन है या सेचुएटेड और नॉन सेचुएटेड है, तो उसको यहाँ पे हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं। जो जो भी जगह पे आपको कलर या फिर ब्राइटनेस या फिर सेचुएशन को सेट करना है वहाँ पे आपको इसको ले जाना है और अपने अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको जो है सेट कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसको सेट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो में जो है सेट्स हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद पेंसिल वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, और अब आपको चल जाऊँगा डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर। डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे प्लस कर देना होगा, और शार्पनेस को भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लस कर देना होगा, जिससे आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम HD में आपको देखने को मिल जाएगी और आपकी फ़ोटो बन के रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।